दिसवा में बुधवार को हुए हंगामे में पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई किए जाने की खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे ले चलते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर बताइए कि क्या था पूरा मामला और क्या पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि 7 सितंबर को बिस्वा में उस समय काफी देर तक पुलिस प्रशासन को नाकों चने चबाने पड़े थे, जब एक युवक की मौत हो जाने के बाद परिजन आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने जो बिस्वा का बड़ा चौराहा है उसको जाम लगा दिया था। जाम कई घंटों तक चला, इस बीच पत्थरबाजी भी हुई, कई बार पुलिस से झड़प हुई। आलम यह हुआ, जिला मुख्यालय से अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह को मौके पर पहुंचना पड़ा और मोर्चा को संभालना पड़ा। इसके अलावा 2 CO मौके पर आए और कई थानों के थानेदार मेटफोर्स मौके पर पहुंचे। कई बार जो आक्रोशित लोग थे उनको समझाने का पुलिस ने प्रयास किया लेकिन वो नहीं माने, पुलिस से कई बार झड़प हो गई। क्योंकि 100 रखकर बड़े चौराहे पर जाम लगाए हुए थे तो इस दौरान एक बार पुलिस ने प्रयास कर 100 हटाने की भी कोशिश की, उसके बाद फिर एक बार आक्रोशित हो गए लोग और पत्थरबाजी की नौबत आ गई, पत्थरबाजी भी हुई। कहने का मतलब यह है कि कई घंटों की मशक्कत के बाद तब आक्रोशित लोग माने जब उनकी जो मांग थी, उनकी मांग थी कि जो युवक गायब हुआ था। दरअसल हुआ ये कि एक युवक जो वहीं का रहने वाला है, बिस्वा कस्बे का मुराऊ टोला का रहने वाला है, दीपू जो कि लखनऊ में सब्जी बेचने का काम करता था, इसको जो है घटना के 2-3 दिन पहले जो वहीं के रहने वाले दो युवक आते हैं और उसे बुलाकर ले जाते हैं, जिनके नाम आसिफ और आरिफ है। ये ले जाने के बाद वो युवक जो दीपू है वो घर नहीं लौटता है। इसके बाद उसका कुछ दिनों बाद उसका शव बाराबंकी जनपद में पैंतेपुर के पास शारदा नहर के जाल में फंसा हुआ मिलता है। जब वो शव बरामद होता है तो परिजन आक्रोशित हो जाते हैं और उनका सीधा सीधा आरोप जो युवक बुलाकर ले गए थे उन पर था कि इन लोगों ने हत्या कर युवक को नहर में फेंक दिया है। इसी से आक्रोशित थे ये लोग और इसको लेकर बड़े चौराहे पर शव ले जाकर के सीधे तौर पर वहां से लाए और रख दिए और उसके बाद इतना हंगामा काटे कि पुलिस को कई घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। और आलम यह हुआ कि ये जो नाराज लोग थे, जो प्रदर्शनकारी थे, इनकी मांग पर इस मामले में जिन लोगों के विरुद्ध इन्होंने तहरीर दी, आसिफ, आरिफ, राशिद और चंद्रभाल और हारिक, इन पांचों के विरुद्ध मुकदमा पुलिस ने तो दर्ज कर लिया। लेकिन जब मामला देखा शांत हो गया, पुलिस ने अपनी मौजूदगी में जो दीपू था उसके शव का कनेक्शन करा दिया, क्योंकि वहां पर तनाव जैसी स्थिति बनती जा रही थी, इसलिए पुलिस ने बहुत ही पैनी नजर रखी और पुलिस तब तक तनाव में रही, तब तक पुलिस परेशान रही जब तक कि सब कुछ निपट नहीं गया, यानी कि अंत्येष्टि हो नहीं गई युवक की। उसके बाद पुलिस ने जिन लोगों ने उपद्रव किया था उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में आपको बता दें कि 16 लोगों के विरुद्ध नामजद FIR दर्ज की गई है, जबकि 50 अज्ञात लोगों को भी उनके विरुद्ध भी FIR पुलिस ने लिखी है और ये धारा 147, 323, 504, 506, 333, 427, 336, 427 मतलब और 332, 353, 441 के अलावा अगर बात करें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान निवारण अधिनियम 1984, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932, ये सारी गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है। आई इंडिया के पास वो FIR आ चुकी है उसकी कॉपी, और जो नामजद लोग हैं उनके नाम भी आई इंडिया के पास आ चुके हैं। पुलिस ने जिन्हें नामजद किया है उनके नाम है राम सागर यादव, प्रफुल्ल रस्तोगी, पुनीत मौर्य, लालजी रस्तोगी, विवेक रस्तोगी, दीपक शुक्ला, ओम प्रकाश गुप्ता, अनिल चुनमुन, राकेश मौर्य टेलर, विश्राम भार्गव, संजय पासी, छोटू ननकू भार्गव, डेली भार्गव, नथु भार्गव, ये ऐसे नाम हैं
जिनके विरुद्ध नामजद मुकदमा हुआ है, 50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है और इंडिया के स्क्रीन पर उस रात का नजारा आपको दिखाना चाहेंगे जब उपद्रव हो रहा था, जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आक्रोशित लोग थे उस दौरान का नजारा और पुलिस का भारी अमला वहां मौजूद है। मैंने तो प्रयास किया, जो पीएल मौर्य एसडीएम है डिस्वा के, उन्होंने प्रयास किया और वहां के जो सीओ हैं अभिषेक प्रताप अजय ने प्रयास किया, इंस्पेक्टर मनीष कुमार सिंह ने प्रयास किया, लेकिन सारे प्रयास धराशायी हो गए। आसपास के थानों के फोर्स भी पहुंच गई, वहां के इंस्पेक्टर भी पहुंच गए, प्रदर्शनकारियों को मनाते रहे, लेकिन बात नहीं बनी। कई घंटे यानी 7 बजे के करीब वहां शुरू हुआ था बताते हैं और 10 बजे रात तक ये सब चलता रहा। अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौरान किस तरीके की अफरा तफरी का माहौल था और जो पुलिस प्रशासन था उसकी क्या स्थिति रही होगी और प्रदर्शनकारी जो थे दूसरा पक्ष क्योंकि जिसको नेम्ड किया था वहां का हालात, वहां के हालातों को देखते हुए कहीं और तनाव ना फैल जाए इसलिए पुलिस बहुत एहतियातन तौर पर वहां नजर गड़ाए हुए थे और पूरा इसका नेतृत्व जो अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी थे एनटी सिंह वो कर रहे थे। आखिर में कई घंटे के बाद प्रदर्शनकारियों को मनाने में सफल हो गए, एफआईआर दर्ज हो गई, 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और इसके बाद अब पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर ली। ये बड़ी जानकारी है सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया के पास अभी तक। और आपने जैसा बिस्वा के मामले में पूछा, पूरी जानकारी क्योंकि नेम्ड कौन कौन था ये भी जानकारी आपको दे दी गई जी। तो मृतक दीपू के जो हत्यारोपी थे उनके 5 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कर मुकदमा दर्ज कर दिया पुलिस में, लेकिन जो पीड़ित परिजन और उनके साथ जो कस्बे के लोग थे उन्होंने जो हंगामा किया और जो प्रांतीय राजमार्ग जाम किया उसमें 16 नामजद व 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ, तो कुल मिलाकर आधा सैकड़ा से अधिक लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक बड़ी कार्रवाई की है। तो एक साफ संदेश दिया है कि जो हाईवे जाम करना है किया जाता है वो एक कानूनी अपराध है, पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आई इंडिया के दर्शक। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।